किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनालिस्ट आपको मिल जाएंगे। वो बिजनेस एनालिस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या करता है भाई, बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जानना है ये वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। सो हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू बी ए प्रोफेशनल, वी हियर हेल्प यू बिल्ड द करियर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आपको बींग अ बीए क्या रोल करना है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्या स्किल सेट चाहिए, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। बिजनेस एनालिस्ट काफी क्रिटिकल रोल है बिकॉज उसका इम्पैक्ट ही उतना होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो क्या करता है बीए, बीए बेसिकली रिक्वायरमेंट समझता है, प्रॉब्लम्स एनालाइज करता है एंड उसके ऊपर सोल्यूशन देता है। दिस इज अ नटशेल रोल ऑफ अ बीए कि प्रॉब्लम समझो, दुनिया भर के प्रॉब्लम समझ के उनको सोल्यूशन दो। अभी वो कैसे होता है, अगर मैं बीए हूँ किसी भी कंपनी में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक प्रोडक्ट कंपनी में, मैं एक प्रोडक्ट कंपनी में बीए हूँ, वो प्रोडक्ट डिफरेंट कंपनीज यूज़ करती है, तो मेरे को क्या करना है, बींग अ बीए वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरी कोई इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर है या फिर क्लाइंट है, तो उनका प्रोसेस मेरे प्रोडक्ट से कैसे बेटर होगा वो मुझे आइडेंटिफाई करना है और उनको सोल्यूशन प्रिपेयर करके देना है। This is my role as a business analyst. This is any business analyst role in any organization. ठीक है, वो service industry में हो सकता है, product industry में हो सकता है, but काम यही करना है। अभी problem समझा, solution भी दे दिया, वो solution देते देते ना उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे problem identify करोगे, उसका requirement create करोगे, documentation करोगे, right? ये सारी चीज़ें, documentation करना, requirement gathering करना, testing करना is a part of the process. So ये from identifying a problem to delivering a solution, ये सारी चीजें भी हमें in depth करनी पड़ती है, in short करनी पड़ती है। So different KRAs हो जाते हैं एक business analyst के कोई भी organization में। अभी और क्या responsibilities है एक BA की, तो बहुत सारी है, और कुछ बता देता हूँ। जैसे कि task कौन से करते हैं हम लोग, तो बहुत सारे task है, जैसे कि डेटा सेट्स आइडेंटिफाई करना, डेटा लो, डेटा में से कुछ अच्छा डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में हेल्प करो, दैट इज़ वन ऑफ द टास्क। अनदर टास्क विल बी टू स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, देर विल बी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सबके रिक्वायरमेंट लो, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टास्क। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, तो उसके प्रोजेक्ट प्लान्स क्रिएट करना भी अपना ही काम होता है। ऑल्सो प्रोसेस जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं उसमें क्या क्या बेटर हो सकता है, कैसे प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है और वो इंप्रूवमेंट प्लान्स आइडेंटिफाई करके इंप्लीमेंट भी करने हैं। दिस इज हाउ द एंटायर थिंग्स हैपन अराउंड द बीए। BA act as a center of implementing all this stuff, right? So it is a solution oriented role. कोई भी कंपनी में BA का काम क्या है, तो solution provide करना है, problems identify करके solution provide करना है, जिंदगी बेहतर करनी है लोगों की। इसके लिए स्किल सेट्स क्या चाहिए, तो एनालाइजिंग स्किल्स होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, सोल्यूशनिंग माइंडसेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप में है तभी जाके आप एक अच्छा बीए बन सकते हो, सोल्यूशंस इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है ना तो आपके लिए हेल्पफुल था, तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। दिस इज हाउ बीए एड्स वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स से बिजनेस एनालिस्ट हेल्प करते हैं बिजनेसेस को ग्रो करने में, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके, प्रोसेस इंप्रूवमेंट करके, किसी किसी का रिक्वायरमेंट गैदर करके, इश्यूज रिजॉल्व करके, राइट? एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बंदा होता है जिसको बोलते हैं बीए। इसी बीए के बारे में अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो वो आप एक बीए से समझ सकते हो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं बिजनेस एनालिस्ट रोल के ऊपर, लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, जरूर रेकमेंड करूंगा, जाके देखिए, आपको हेल्प करेगा आपके बीए जर्नी में। अदर देन दिस, अगर आपको कुछ भी आपके करियर में डिफिकल्टी, अगर आपको मुझसे वन टू वन डिस्कस करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू, आपको टॉपमेट के ऊपर स्लॉट बुक करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन वी कैन कनेक्ट डिस्कस योर करियर डिफिकल्टी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।